की जो आपकी रिक्वेस्ट सिलेक्ट की है वो है इंग्लिश नंबर, सिया का अनस्टॉपेबल। तो चलिए बहुत ही आसानी के साथ इसे भी बजाना सीख लिया जाए। नमस्कार, मैं हूँ संजय एंड यू आर वॉचिंग सीखो सरल। तो ये गाना है एफ शार्प माइनर पर, एफ शार्प ए सी शार्प एफ शार्प माइनर। इस गाने की जो स्टार्टिंग होगी वो होगी मिडिल ऑक्टेव के बी नोट से, यहाँ से इसको हम शुरू करेंगे। इस गाने की स्टार्टिंग होती है प्यारे से छोटे से म्यूजिक के साथ, किस तरह से, जिसके नोट्स हैं बी सी शार्प बी ए एफ शार्प। ठीक है, ये मैंने हायर ऑक्टेव में बजाया था क्योंकि हायर ऑक्टेव में प्ले होता है। आप चाहें तो यहाँ भी बजा सकते हैं मिडिल ऑक्टेव में, ठीक है, यहाँ भी प्ले कर सकते हैं। इस म्यूजिक के प्ले होने से पहले आप रिदम भी ले सकते हैं। रिदम से मेरा मतलब है कॉर्ड के साथ एक भराव भी ले सकते हैं, और वो किस तरह से लेंगे, ऐसे ले सकते हैं, चार कॉर्ड के साथ भराव ले सकते हैं इस म्यूजिक के पहले। किस तरह से, देखिए पहले मैं प्ले करके दिखा रहा हूं इस तरीके से। अगर आप चाहें तो ऐसे भी प्ले कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया, ये मैंने चार कॉर्ड के साथ प्ले किया। सबसे पहले एफ शार्प माइनर, एफ शार्प ए और सी शार्प, एफ शार्प माइनर। इसके बाद डी, डी एफ शार्प और ए, डी मेजर। और इसके बाद ए मेजर, ए सी शार्प ई, और लास्ट में सी शार्प माइनर, सी शार्प ई और जी शार्प, सी शार्प माइनर। तो ये कॉर्ड आप चार चार की गिनती में प्ले करेंगे, और लास्ट वाला जो कॉर्ड था सी शार्प माइनर उसको दो गिनती तक। किस तरह से, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको राइट हैंड से कॉर्ड प्ले कर तुरंत म्यूजिक बजाने में दिक्कत आती है, गैप आ जाता है दोनों के बीच में, तो उसके लिए इजी होगा कि आप लेफ्ट हैंड से कॉर्ड बजाइए और तुरंत फिर राइट हैंड से वो म्यूजिक को प्ले कर दीजिए। इस तरह से भी आप प्ले कर सकते हैं। चलिए तो अब शुरू होता है सॉन्ग। सॉन्ग की जो पहली लाइन है वो शुरू होगी मिडिल ऑक्टेव के बी नोट से, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। चलिए तो पहले एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ लाइन को, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बताऊंगा। अब इसको धीरे धीरे देखेंगे नोटेशन के साथ। देखिए क्या किया, बी और दो बार सी शार्प। बी जो है ये मिडिल ऑक्टेव का, सी शार्प जो है ये हायर ऑक्टेव का है। तो बी और दो बार सी शार्प, उसके बाद अब क्या किया, सी शार्प हमने 6 बार दबाया, ठीक। उसके बाद क्या किया, सी शार्प फिर से और फिर 2 बार डी। तो इस तरीके से सिंगल फिंगर से मैंने आपको बताया बहुत धीरे धीरे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार पूरी लाइन कंटिन्यू देखिए सिंगल फिंगर से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फास्ट कैसे प्ले करेंगे, ठीक। अब जो नेक्स्ट लाइन है वो होगी हायर ऑक्टेव के डी नोट से, यहां से देखिए। तो किस तरह से, अब इसको भी सिंगल फिंगर से देखिए आराम आराम से। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो लाइन है ये सी शार्प से हायर ऑक्टेव के, देखिए क्या किया, सी शार्प बी बी सी शार्प फिर सी शार्प फिर ई फिर सी शार्प, कैसे, ठीक है, एंड ऑल थ्रू द नाइट टाइम। ठीक है, तो ये प्ले होगा बी नोट से। ठीक है, क्या किया, ये वही है जो शुरू में हमने प्ले किया था, याद है, वही चीज है ये। अब इसके बाद जो लाइन है ये भी बी नोट से ही शुरू होगी। देखिए ये वही लाइन है जो हमने शुरू में सीखी थी, फर्स्ट वाली, सेम टू सेम वही कॉपी कर देंगे आप, तो आपकी ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ अंतर नहीं है।
ठीक है, वही चीज़ है। और इसके बाद जो लाइन आएगी वो भी वही लाइन है जो सेकंड में हमने प्ले करी थी। देखिए मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। सेम वही डिट्टो कॉपी है, ठीक है, तो वही आपको यहाँ पर रिपीट कर देना है। और इसके बाद जो लाइन आएगी ये भी आपने सीखी हुई है, सी शार्प से रिपीट हो रही है लाइन। लाइन के बोल चेंज हो रहे हैं मगर लाइन के जो नोटेशन है वो सेम है। देखिए सेम डिट्टो वही चीज़ है। तो जो तीसरी लाइन थी एंड ऑल थ्रू द नाइट टाइम, सेम टू सेम वही की वही कॉपी करनी है, ठीक है। तो ये वही है जो हमने पहले सीखा था, बस थोड़ा सा अंतर इसमें। देखिए इसमें ए नोट बढ़ा दिया हमने, देखिए ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। अब होती है गाने की मेन लाइन शुरू, जो कि स्टार्ट होगी ए नोट से, यहां से मिडिल ऑक्टेव का ए नोट। देखिए अब इसको धीरे धीरे देखिए, ठीक है। और इसके बाद भी ऐसी ही लाइन है, बस थोड़ा सा लास्ट में चेंज हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। अब आती है गाने की टाइटल लाइन, जो कि स्टार्ट होगी एफ शार्प से, मिडिल ऑक्टेव के एफ शार्प से। देखिए क्या किया, नोटेशन क्या है, एफ शार्प एफ शार्प एफ शार्प एफ शार्प एफ शार्प ई, पांच बार एफ शार्प और ई, ठीक। इसके बाद है इसमें क्या किया, तीन बार एफ शार्प, फिर जी शार्प, फिर एफ शार्प, फिर ई, फिर सी शार्प, ठीक। तो पूरी लाइन देखिए एक बार सिंगल फिंगर से कंटिन्यू, ठीक है, बहुत सिंपल है, ई ई ई ई ई सी शार्प, ठीक, क्लियर। और इसके बाद जो लाइन है ये सी शार्प से लेंगे झटके से। क्या किया, सिंगल गेम, ठीक। अब जो लाइनें आप प्ले करेंगे वो वही प्ले करेंगे जो हम प्ले कर चुके हैं, यानी कि रिपीट लाइनें आएंगी। लाइन के बोल तो चेंज है मगर बजेगी वैसे ही जैसे हम बजा चुके हैं। ये वही लाइन है आई एम अनस्टॉपेबल, ठीक है, वैसे ही हम प्ले करेंगे, आई एम सो पावरफुल, सेम है, ठीक, सेम। और इसके बाद, और इसके बाद जो लाइन है आई डोंट नीड बैटरी टू प्ले, सेम वैसे ही है, ठीक, सेम वैसे ही है। और इसके बाद जो लाइन आएगी आई एम सो कॉन्फिडेंट, वो भी सेम वैसे ही है। और इसके बाद जो लाइन है या आई एम अनस्टॉपेबल टुडे, सेम वैसे ही प्ले होगी। ओके अब इसके बाद है अनस्टॉपेबल टुडे, ये भी वैसे ही है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। देखिए क्या किया, सी शार्प से ले लिया, अब ठीक है, तेजी के साथ। और इसके बाद जो अनस्टॉपेबल टुडे ये भी थोड़ा सा अलग है, देखिए क्या किया, थोड़ा सा अलग कर दिया। और इसके बाद जो अनस्टॉपेबल टुडे ये ई नोट से, वही इसमें कोई छिड़कानी नहीं है, ये ऐसे ही है। और इसके बाद जो है आई एम अनस्टॉपेबल टुडे, ये वैसे ही है जैसे पहले था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हर वीडियो की तरह मेरा ये वीडियो भी आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक तो पहले ही कर दिया होगा। अगर आपकी भी कोई फरमाइश है, आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है, कोई गाना या कोई धुन, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे या सीखो सल के किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
तो मिलते हैं आपसे आपकी अगली फरमाइश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।